हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर्षद पटेल निफ्टी टेक्निकल्स। तो आज हम शुक्रवार की निफ्टी फ्यूचर की ट्रेडिंग देखेंगे। तो आज अक्टूबर सीरीज का नई सीरीज अभी शुरू हुई है, तो उसमें ट्रेडिंग करेंगे। आज से हम पहला दिन है, तो ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है और डॉलर रुपये से वो भी फ्लैट ही खुला है। तो यहाँ पे मैं एक सेल करने जा रहा हूँ। अभी अक्टूबर का ये फ्यूचर है, आज पहला दिन है और पहली बार में ही पहला दिन में ही मैं सेल करूंगा इसको। तो देख सकते हो अभी स्पॉट में निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 530 पे है। एज यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे लाइव प्राइस अभी देख सकते हो 11530 पे, और अक्टूबर फ्यूचर की जो प्राइस है वो है 590 पे, 11590 पे। मैंने अभी 95 पे सेट किया है सेल करने के लिए। आज बहुत लंबा टारगेट नहीं है मेरा नीचे की ओर, अभी लो बनाया है जस्ट 77 का। आप यहाँ पे लो में देख सकते हो, आप 11577 का लो लगाया है। तो अभी मैंने 95 में सेल किया है, सिर्फ ओनली वन लॉट, एक लॉट को ही 11595 में, और टाइम पे देख सकते हो 9:20 को। तो इमीडिएटली मेरा अभी प्रॉफिट जो हो रहा है, आप एज यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो अभी 700 रुपये इमीडिएटली मेरा प्रॉफिट अभी नीचे की ओर चल रहा है। तो अभी 85 है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बाई का जो मेरा टारगेट है वो है 575 नीचे की ओर। लगता नहीं वहाँ तक आज मूव करेगा, कि अभी जो इसकी मूवमेंट है वो थोड़ी स्लो हो गई है, तो लगता है यहाँ से बाइंग आ सकती है निफ्टी में। तो अभी नीचे की ओर अभी जो लो बना है, आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो अक्टूबर फ्यूचर का जो लो है 577 तक गया है, तो वहां से रिट्रेस हुआ है थोड़ा 20 से 25 पॉइंट फ्यूचर की बात करें। तो अभी ऑर्डर को जो मैं अभी मॉडिफाई कर लूंगा जल्दी से, 83 चल रहा है, 84, तो यहाँ पे अभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो मार्केट में ऑलमोस्ट ऊपर जाएगा तो भी इसमें स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वहां पे, 82 मैंने कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ट्रेडर्स अभी इसी मूवमेंट जो है आज की, उसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कंटिन्यूस फॉलो करना है, और रेजिस्टेंस पे हमेशा आपको सेल करके चलोगे तो ही आपका पैसा है वो बनेगा। तो अभी 11538 पे स्पॉट में, और बैंक निफ्टी में भी अभी 1% जितना अभी कमजोरी है 29,740 पे। ओके, तो 82 पे बाय हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग में, जीरोधा में, ब्रैकेट ऑर्डर में। तो 11582 में मैंने बाय कर लिया है, 95 में मैंने सेल किया था, 975 रुपये का, 1000 रुपये का इसमें प्रॉफिट। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से एक लाइक कीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है आपकी एक लाइक से। और वापस से अभी 590 की ओर हो चुका है अभी जो प्राइस है वो, तो सही समय पर ही दोस्तों आपको अपना जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज इसमें आप टैप हो सकते हो। इसमें देख सकते हो खुलते ही जो तीन लाल कैंडल जो बनी है वो बहुत डरावने वाली है, बहुत ही डरावनी है जो तीन कैंडल जो बनी है बड़ी वाली जस्ट मार्केट ओपन होते ही, तो ये दिखाई दे रही है हमारी कमजोरी आज की। तो देख सकते हो अभी डाउ जोंस का ये फ्यूचर आप 45 पॉइंट माइनस में है, नेस्डेक के ऑलमोस्ट फ्लैट है 22। तो ग्लोबल मार्केट का जो वो भी अभी सपोर्टिव नहीं है आज के दिन, ये 12:30 बजे खुलेगी, पुच्ची है और ये डेक्स है, यहाँ पे देख सकते हो आप 7 और 11 जो पॉजिटिव है, यानी 12:30 बजे मार्केट जो है वो पॉजिटिव खुलेंगे, तो बाद में उसमें मार्केट में एक सपोर्ट मिलेगा नीचे के लेवल से। अभी हैंगसेंग का मार्केट देखे तो 64 पॉइंट माइनस है, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट है, बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं है। तो अभी हम टेक्निकल व्यू देखेंगे अभी, तो आप investing.com देख सकते हो यहाँ पे। तो अपना जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है उसके आसपास है अभी निफ्टी में नीचे के लेवल से उछाल आया है, और आप ये देख सकते हो अभी 11,587 पे है। तो ये देख सकते हो यहाँ से ये लाइन अभी वहां पे टच होके फिर नीचे की ओर रिट्रेस हुआ था, अभी वही उसी लाइन पे है
ई पे देख सकते हो आप, तो ये लाइन को क्रॉस करना 11,600 का जो लेवल है बहुत ही मुश्किल है निफ्टी के लिए, आसानी से क्रॉस नहीं करेगा। तो दो बार वहां पे रेजिस्टेंस फेस हुआ है, तो वहां पे स्ट्रांग सेलर है और ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा। ये जो लाइन मैंने ग्रीन ऊपर की ओर बनाई है, तो 11,600 का लेवल क्रॉस करके कंफर्टेबली ट्रेड करे तो ऊपर का जो लेवल है वो है 11,600 और 11,637 पे इमीडिएटली टच करेगा। तो 600 का लेवल दिमाग में रख के चलना है हमें। ए बी सी डी और ई आप देख सकते हो नीचे की ओर है 11,534 इमीडिएटली लेवल। अगर निफ्टी टूटा यहाँ से तो इसी लेवल से निफ्टी घूमेगा, याद रखिए, और इसी के रेंज में ही रहेगा अभी 520 से। तो ये देख सकते हो पहला जो लेवल है यहाँ से निफ्टी तोड़ेगा तो इमीडिएटली यहाँ पे टच होगा। मैं अभी लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि क्लियरली दिखाई दे। 11,534 है वो पहला टारगेट है नीचे की ओर, फिर ये दूसरा टारगेट है 11,521, ओके, और ऊपर का टारगेट मैंने बता दिया है। नीचे का अभी तीसरा टारगेट है 11,495, और ये तोड़ेगा तो फिर 11,417 यहाँ तक निफ्टी नीचे नेक्स्ट वीक में जा सकता है। और ऊपर अभी कंफर्टेबली लाइन थ्रो ये ब्रेक करके ऊपर की ओर बढ़ेगा तो फिर 11,630 तक जाएगा, 11,630 तक ये डेफिनेटली मूव करेगा ऊपर की ओर। लेकिन ये लाइन को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, लगता नहीं अभी एक वीक में आसानी से ये लाइन को ब्रेक करेगी निफ्टी। तो ओके, अगला जो व्यू है मैं आपको बताता रहूंगा, एक लाइक जरूर से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।